जैन दोस्तों, सीएसएफ एलडीसी 2022 का एग्जाम डेट अभी समझो आपके पास 45 से 50 दिन है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा और होपफुली आपका बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जिनका प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो लग रहा है कि मैं कट ऑफ पार नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो देखो अभी भी टाइम है, डरने की जरूरत नहीं। और जिनका मैथ्स में यह है कि बस कट ऑफ ही पार कर रहे हैं, तो वो अपने नंबर को और एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यदि हम लोग चालाकी का प्रयोग करेंगे, देखो जो हमारा बोर्ड है ना, वो ये है, वो चालाक लोगों को चाहता है। वो ये नहीं चाहता है कि आपको ना मैथ्स का जीनियस बना दिया जाए या फिर पीएचडी होल्डर मैथ्स का आए। वो चाहता है कि चालाक आदमी आए जिसको हम एएसआई जो है लगाएं और वो चालाकी से चीजों को हैंडल करना है, उसको आता हो। तो वही मैथ्स में भी हमें चालाकी दिखाना है, जो ज्यादा फॉर्मूला ये वो रटने की जरूरत नहीं है। जो गुना भाग मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग करते आए हैं, जोड़ घटा गुना भाग, उतने से ही काम चलाना है, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपको यदि बहुत सारा चीजें दे दिया जाए तो वही ड्यूटी भी करना है और एग्जाम भी देना है, ठीक है ना। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूं कि मैथ्स को आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इस हिसाब से यदि आप अगले 40 दिन भी पढ़ लोगे तो 100% आप एग्जाम क्रैक कर लोगे और 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। सिलेक्शन नहीं होने का रीजन होता है हमारा गलत तरीका, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनो और आप फिर देखने कि यार आप कैसे करते हो और एक्चुअली आपसे क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इन अ वर्कशॉप, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको यहां से और बताता हूं, हमने से बहुतों को ये सिखाया गया स्कूल में या हमारे जो शिक्षा प्रोसेस जो है, एजुकेशन का जो सिस्टम है या इवन कोचिंग और इन समय भी, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो उसी में आंसर छुपा होता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो क्वेश्चन को जितना पढ़ेगा उतना ही कंफ्यूज होगा। और ये ट्रिक बोर्ड के एग्जाम में तो चल सकता है लेकिन अपने यहां नहीं चल सकता, ठीक है। तो एक बार पढ़ो एक फुल स्टॉप तक और जो भी आपको मिल जाए वहां से वो नोट कर लो। तो मैंने ये जब पढ़ा था, एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर इज 8000 की सभी श्रमिकों की औसत जो वेतन है वो 8000 है, सभी का औसत 8000, मतलब किसी का ज्यादा भी होगा किसी का कम होगा लेकिन औसतन 8000, ठीक है। अगला लाइन पढ़ेंगे, द एवरेज सैलरी ऑफ 7 टेक्नीशियन इज 12000, कह रहा है कि 7 टेक्नीशियनों का औसत वेतन 12000 है। तो हम लिख लेते हैं कि T7 टेक्नीशियन 7 है और उनका जो एवरेज सैलरी है वो 12, ठीक है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रेस्ट 6000 और बाकी श्रमिकों का औसत वेतन 6000 है। तो रेस्ट जितने भी हैं हमें नहीं पता उनका 6000। कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या थी? अब देखो इसमें यदि आप एवरेज की रूल लगाओगे आपको बहुत टाइम बोली जाए, ठीक है ना। इसलिए मैंने पेनड्राइव में आपके जो सीएसएफ एलडीसी एएसआई का पेनड्राइव है हमारा, उसमें मैंने आपको बताया है कि दो तरीकों से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। सबसे अच्छा है कि आप सटिस्फाई द जूनियर लगाओ या फिर एलिगेशन लगा दो। तो दोनों चैप्टर मैंने बहुत ढंग से उसमें समझाया हुआ है कि बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जोड़ घटा गुना भाग करते हुए आप आंसर को पा सकते हैं, ठीक है। देखो इसने क्या कहा कि भाई 7 टेक्नीशियन है उनका 12000 है, उसके बाद रेस्ट कितने हैं मुझे नहीं पता लेकिन 6000 इनका औसत है। लेकिन देखो इसने क्या कहा, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को यदि हम मिलाए तो टोटल बनेगा और टोटल का 8000। अब सुनो ये बात हमेशा ध्यान रखना, चैप्टर कोई भी एवरेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, परसेंटेज हो, हर जगह ये आपको काम आएगा। कंसेप्ट क्या, जब आपको 3 नंबर ऐसा दे रखा हो, जब आपको 3 नंबर ऐसा दे रखा हो जिसमें एक नंबर ऐसा हो जो दोनों के बीच में आता हो, जैसे इसमें एक 12000 एक 6000 और या 8000 इन्हीं दोनों से मिलकर बनाए और
एक से ये छोटा है, देखो 12,000 से छोटा है और 6,000 से बड़ा है, तो एक नंबर आपको ऐसा मिलेगा जो किसी दो नंबर के बीच में आ रहा हो। ऐसे क्वेश्चन में आप आंख बंद करके ना एलिगेशन लगाना, ठीक है। तो 12,000 और देखो एलिगेशन में क्या करता है, ऐसे इन दोनों को माइनस करके यहां लिख दो और इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर 2,000 में से 6,000 के 2,000, ठीक है। तो ये आ गया आपके श्रमिकों के का जो नंबर है उनका औसत। देखो कैसे, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 2 1 2, 2 1 2 और 2 2 4, मतलब नंबर ऑफ टेक्नीशियन और नंबर ऑफ रेस्ट, तो जो लोग टेक्नीशियन है और जो लोग दूसरे हैं, उन दोनों का रेशियो 1:2 है, तो टोटल कितने हो गए, 3। आपका क्वेश्चन कहता है क्या कि जो टेक्नीशियन है वो 8 नहीं है, वो 7 है, तो इस 1 को 7 बना लो। आप देखोगे पूरे मैथ्स को मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया है कि जो नंबर अपने जैसा नहीं है उसको मल्टीप्लाई करो, अपने जैसा बनाओ और पूरा मैथ फटाफट सॉल्व हो जाए, ठीक है। मैथ में यदि आप 40 के अबव ले आएंगे ना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप सोचोगे यार मैं मैथ का तो कट ऑफ कर ही लेता हूँ, कट ऑफ और इंग्लिश का मुझे करना है बस। देखो यदि इंग्लिश में आपका कम भी आएगा और मैथ में आप ज्यादा ले आओगे, सोचो आप मेरिट में आ जाओगे। बाकी इंग्लिश का भी आपके पेन ड्राइव में उतना ही प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने दिया है जितना हमारे सीएसएफ एलडीसी में पूछता है, और एकदम उसको यदि आप कर लेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। पिछली बार मैथ में आपको मैंने दिखाया था कि 50 में से 49 क्वेश्चन जो है आपको करवाया गया, बस एक क्वेश्चन वो जो था वो नहीं करवाया था, बाकी 49 क्वेश्चन जो है ना आपको करवाया हुआ आया है, ठीक है ना। इंग्लिश में मैंने दिखाया आपको कि भाई एक आध क्वेश्चन मान लो टफ आया, लेकिन 40-42 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने करवाए थे आपको, ठीक है ना, तो करवाया हुआ आएगा, बस आपको अपना पेन ड्राइव ढंग से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो एक की जगह 7 था तो मैंने 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। गणित क्या कहता है, एक जगह गुना करते तो हर जगह करो, यहाँ भी करो यहाँ भी करो, तो इसका मतलब रेस्ट जो है वो 14 है और टोटल 7 के 21। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कार्यशाला में कुल कितने जो है श्रमिक है, तो टोटल 21 जो है श्रमिक, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा किसी लोग किन्हीं को ये भी कंफ्यूजन आ गया हो, सर टेक्नीशियन श्रमिक में कोई नाम है, टेक्नीशियन हो चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी, जो पढ़े लिखे हैं उनको हम ये कह देते हैं कि वो एजुकेटेड लेवल में आते हैं, और जो अनएजुकेटेड में हैं तो श्रमिक ही ना, ठीक है ना, तो टोटल 21 है। चलिए अब नेक्स्ट इसी तरह का मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए एक ऐसा ही आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, जो क्वेश्चन करने का ढंग कैसा होना चाहिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, कह रहा है एक वस्तु है जिसके कीमत में 20% की जो है कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे भाई, मान लो 100 रुपए का चीज था, तो परसेंटेज में 100 लेते ना, 100 का चीज था और 20% उसमें 20% की कमी आ गई, तो 100 में से 20% यदि कम हो गया भाई तो 80 रुपए का हो गया सामान हमारा, है कि नहीं। अब क्या कहता है, एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, क्या कहा गया कि जो सामान खरीदता था उसने क्या किया, अपने खपत को 20% की वृद्धि कर दी, 20% उसने अपना खपत बढ़ा लिया। मान लो कि 100 किलो चीनी यूज करता था तो अब वो 120 किलो चीनी यूज करे, क्लियर, ठीक है, तो कंजम्पशन अब उसका जो है 20% बढ़ गया। अब देखो यदि इस क्वेश्चन को करने का ना दो तरीका होता है, यदि हमें इसने ये नहीं दिया होता कि उसका खपत 20% बढ़ा है तो हम इसको ऐसे, और ये पूछा होता कि बताओ उसका खपत अब कितना परसेंट बढ़ सकता है, तो हम इसको ऐसे करते हैं कि 100 रुपए पे 80 रुपए हो गया चीनी का भाव, तो अब 80 रुपए पे उसको 20 रुपए ज्यादा है तो वो 1/4 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो 25% अपने खर्च को बढ़ा सकता है, मतलब 25% ज्यादा सामान उसको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये एक्स्ट्रा एड कर दिया ना, इसी की वजह से स्टूडेंट एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, तो इसमें देखो कुछ नहीं करना है, जब भी दो क्वांटिटी हमें दिया हो और उसका फाइनल रिजल्ट पूछा हो तो हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 और हमारा आंसर आ जाता है परसेंट,
ठीक है ना, तो 20% पहले घटा तो उसने 20% खपत भी बढ़ाया, ठीक है ना, प्लस 20 माइनस पहला वाला और दूसरा वाला इंक्रीज था तो प्लस, ठीक है, ये 20-20 गया, ये जीरो गया, दो दुनी चार माइनस का आएगा 4%, मतलब 4% डिक्रीज हो गया, समझ गए। इस क्वेश्चन के ना 4-5 वेरिएशन है, आपके पेन ड्राइव में मैंने 4-5 वेरिएशन डाल दिया है, आप उसको कर लोगे ना तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, क्या रहा, 3000 बिकम्स इतना इन 3 ईयर, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे चक्रवृद्धि ब्याज पे कि 3 वर्षों में इतना रुपए मेरा इतना हो गया, 3000 रुपए मेरा 3993 रुपए 3 साल में हुआ, बस रूट निकाल दो, जितने साल का देना उतने साल का रूट निकाल दो, क्यूब रूट निकलेगा यहाँ, ठीक है ना, यदि ये कट रहा है तो काट दो, 3 कम 3 और 3 कम 3 3 3 9 3 3 9 3 कम 3 1000 का क्यूब रूट क्या आता है, घनमूल, 3 में से 1 बाहर आ जाएगा, 10 और 1331 किसका होता है, देखो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी स्क्वायर रूट में क्या हो ना रिपीट हो रहा हो तब समझना 11 का है, तो 11 121 होता है, 21 में 11 मल्टीप्लाई करो, 11 कम 11 1, 11 दूनी 22 1 23 3 2 11 कम 11 और 2 13 है कि नहीं, तो 11 है। लेकिन आप जैसा मैंने आपको बोला है कि 1 से लेके 25 तक का, कम से कम 30 तक का स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक का क्यूब आप याद है तो नंबर पहचानने में इजी होगा, यही चीज आपको फायदा करेगा रीजनिंग में, वहां भी ज्यादा नंबर आप बटोर ले जाओगे, ठीक है ना। तो देखो तो 10 रुपए लगा के मुझे यदि 11 रुपए मिला तो भाई 10 रुपए में तो 10 रुपए तो मेरा मूलधन ही था, 1 ही रुपए तो ज्यादा मिला चक्रवृद्धि ब्याज, तो कितना परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, 10 रुपए लगा के 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला इनटू 100 जो लगाते हैं हमेशा नीचे आता है, 10 रुपए लगा के मुझे 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो 10% मिलता है, इसका मतलब 10% कटाव से लगा दो। और यदि इसमें आपने चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है अमाउंट वाला कि पी प्लस 1/r और टी ये जब लगाओगे तो भाई इसमें फिर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये मत लगाना, ठीक है। अब ये याद रखो कि टाइम हमेशा ना रूट में आता है, आप देखो ना फॉर्मूले में भी जब आप ऐसे लिखते हो ऊपर होता है ना टाइम, ठीक है ना, यही जब अमाउंट में इधर की तरफ आ जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रूट लगाओ, ठीक है ना, ये जो इधर की तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा, इसीलिए आप हमेशा एग्जाम में रूट लगाओ अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, सुनिए क्या कह रहा है। ए मैन बोरोड अ सम ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, एक व्यक्ति बैंक में गया और बैंक से बोला भाई मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो बैंक चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। बैंक ने कहा भैया देखो पहले 4 साल के लिए मैं आपसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा वो 8%, ठीक है। आगे कहता है देखो 10% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर, कहता है 10% लूंगा अगले 10 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए सॉरी, तो 6 वर्षों के लिए अगले तो 10% मांग रहा है। आगे क्या कहता है, एंड 12% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर, कहता है यदि तुम 10 साल से ज्यादा पैसा रखोगे तो भैया आपको 12% देना होगा, समझ गए। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए भुगतान किया, कहता है कुल ब्याज का भुगतान इसने इतना कर दिया, तो मैंने यहां पी लिया कि टोटल इंटरेस्ट उसने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट 12160, कितने सालों के बाद 15 वर्षों के, तो कहता है धनराशि बताओ कितना उधार लिया, फाइंड द मनी ही बोरोड, तो भाई 6-4-10 साल हो गया, यानी आगे उसने 5 साल और रखा पैसा, तो 12% बढ़ेगा इस पैसे पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप सुनो, यदि सोचो उसने यदि 100 रुपए लिया होगा, ठीक है ना, 100 रुपए लिया होगा तो 100 रुपए का 4 साल तक 8% के हिसाब से 32% भरेगा, 10-6-60% भरेगा अगले यहाँ पे और यहाँ पे 12-5-60-60%, ठीक है ना, तो 100 का 32% 32 रुपए ये ब्याज, और ये 6 साल वाला जो देगा 60% तो 100 का 60% 60 रुपए, 100 रुपए और प्लस 60 रुपए, अमाउंट भी मत निकालो बस इंटरेस्ट निकालो, क्योंकि इसने हमें इंटरेस्ट भी पूछा ना, तो
देखो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ दिन, तो बस इंटरेस्ट निकालो भाई, 100 का 8% 32 रुपए, 100 का 60% 60 रुपए, 100 का 60% फिर से 60, तो कितना इंटरेस्ट दिया देखो, तो उसने यहाँ पे लिख लो सिंपल, तो 2 रुपए, 6 6 12 और 3 15, 152 रुपए उसने इंटरेस्ट, 100 रुपए यदि उसने लिया था तो 15 साल के बाद उसने 152 रुपए इंटरेस्ट। लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है नहीं नहीं 152 नहीं, इंटरेस्ट उसने दिया है 12,160 रुपए। समझ गए इस बात को, देखो फिर से समझो, 100 रुपए का 4% के 4 ईयर के लिए 8% से 32%, 100 का 32%, 32 रुपए इंटरेस्ट 4 साल का, 6 साल का 10% के हिसाब से 60 रुपए, 60% तो 100 का 60% 60 रुपए, ऐसे 5 साल का 12% के लिए 12 5 60, 1 साल का 5 तो 12 साल के लिए 60%, 12 5 60, 100 का 60% 60 टोटल इंटरेस्ट आ गया 152। लेकिन ये तो माना हुआ है ना, ये तो हमने माना है कि 100 रुपए पे 152 रुपए इंटरेस्ट देगा वो 15 साल में। लेकिन आप क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 इतना नहीं, 152 नहीं, 12,160 रुपए इंटरेस्ट दिया है, बस यहाँ से क्या करना है इसको अपने जैसा बना लो, क्योंकि ये 12,160 नहीं है, 152 में हम क्या गुना कर दें कि वो 12,160 बन जाए, तो आपको क्या करना है 152 से इसको भाग दो, आपको पता चलता है, ठीक है ना, तो इसको काटो देखो, 2 से 2 7 14, 2 6 12, 2 6 12 0, 2 8 16 और 6, ठीक है, फिर 2 से काट दो, 2 3 6, 2 8 16, और फिर इसको काटो, 2 3 6 0, 2 4 8 0, फिर काट दो, 2 1 2, 2 2 18, इसको काटो, 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4 और 0, फिर 19 से काट दो इसको, तो 19 8 152 होता है और 0 80, यानी यदि हम 80 से यहां गुना कर देंगे तो हमारा ये आ जाए, तो अमाउंट ये कितना रुपए इंटरेस्ट आ जाए, ठीक है, तो जो हम लेके चले थे प्रिंसिपल की उसने 100 रुपए उधार लिया, उसमें भी 80 से गुना करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसने 8,000 रुपए जो है बैंक से कर्ज लिया, 8,000 है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार अपने एग्जाम में आए हैं और सिंपल है इन चीजों को करना, एक बार आप समझ गए ना, देखो यदि आप इसको आप समझ गए हो एक बार, तो अब आपको इसको इतना भी करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आप क्या करोगे यार 100 रुपए लिया था, 4 साल के लिए 8% से 32 रुपए आ गया, फिर अगले 6 साल के लिए 10% से 60 रुपए, फिर अगला 15 साल था तो 10 साल हो गया, 5 साल के लिए 12% से 60, 152 रुपए हो गए, मुझे 152 से इंटरेस्ट लाना है कितना 12,160, ठीक है, तो बस 12,160 को बस आपके ऊपर 152 से काटना होगा, 80 रुपए आ गया, 152 में 80 गुना करोगे तो आ जाएगा, आप 100 रुपए लेके चले थे 100 में भी 80 से गुना करोगे, बस इतने लाइन में आपका आंसर, ठीक है, एक बार आप समझ के ढंग से गए। और होता क्या है कि यदि आपने एक बार ढंग से नहीं समझा, इधर उधर से क्वेश्चन करना सीख लिया बस, तो क्वेश्चन जब घुमाएगा तो आप फंस जाएंगे, और हमें प्रिपरेशन इस तरह से करके जाना है कि एग्जाम में बैठ रहे तो 100% सिलेक्शन होना चाहिए, ये नहीं कि आपका टाइम भी गया सिलेक्शन भी नहीं हुआ और लॉस, ठीक है ना, प्रिपरेशन इस तरह से करो 100% जो क्वेश्चन कर रहे हो इसी तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, ठीक है, और 100% आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। पिछले 2008 से हम लोग CISF, BSF, LDC, CISF का, BSF का, CRPF का, ITBP का, इन सब का हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो तो दिल्ली की पहली इंस्टीट्यूट है, इवन आप हमसे पहले पूरे इंडिया में ही कोई भी डिपार्टमेंट का प्रिपरेशन का कैटेगरी कनेक्ट हुई, हम लोग सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंटल प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है ना, ऑफलाइन, ठीक है, जब SI मिला करता था, ड्यू टू क्या होता था कि लड़के पहले हमारा साकेत सेंटर है, महिपालपुर सेंटर, यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन चलाते थे, ठीक है ना, बच्चे आते थे पढ़ते थे, लेकिन क्या होता था जिनका जनरल शिफ्ट होता था उनका तो पूरा हो जाता था, लेकिन जिनका शिफ्ट चेंज होता था उनको दिक्कत हो जाती थी, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ऑनलाइन जो है वो कोविड के बाद किया, वो बहुत पहले से ऑनलाइन चला रहे हैं, ठीक है ना, पहले 16 GB में पूरा कोर्स आ जाता था पेन ड्राइव, ठीक है ना, और SI का कोर्स मिला, तो इसी तरह से पूरा मैथ्स जो है ना आपको पढ़ाया है पेन ड्राइव में, इंग्लिश कट टू कट जितना आपने एग्जाम में आ रहा है उतना ही, तो यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे तो 100% आपके पेन ड्राइव से क्वेश्चन आएगा,
95 से 98% क्वेश्चन आपके पेन ड्राइव से आ जाएगा और सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब मान के चलो मैथ में कम से कम 42-43 आप ले आओगे जिस तरह से पढ़ोगे, इंग्लिश में 40, मान लो जीके थ्राइज उधर से आप पूछना स्टार्ट किया है 35 ही आ जाए और रीजनिंग में कम से कम 40, ठीक है ना, 40-42-43 मार्क भी लाता है, ठीक है चलो 40 लेके चलो, तो 5, 2, 7, 4, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 117। मैं कह रहा हूं मान लो कि इंग्लिश में तुम्हारे 35 ही नंबर आए तब भी 152 नंबर हो, मैं कह रहा हूं मान लो रीजनिंग में या यहाँ पे मान लो 40 आ जाता है तो भी 150 होता है, 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता, है ना, कमीशन आपको आईडी डॉली में बिठा के ले जाएगी कि भैया चलो आपकी जरूरत है, ठीक है ना, यदि प्रिपरेशन आपने इस तरह से किया है। 50 दिन अपने पास बचे हैं, 100% अभी भी यदि आप 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे रखो, 2.5 से 3 घंटे यदि आप पेन ड्राइव को दोगे प्रॉपरली, आपको एक जगह सारा कोर्स प्रॉपरली मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, सीएसएफ, रूल्स, जहां से क्वेश्चन आता है सब एक जगह आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना मेरे को पढ़ना है, एक टारगेट रहेगा, ठीक है सर। इसके बाद कहीं भी मैंने इस तरह से कुछ भी नहीं समझाया कि आप जो है उसमें फंसो, बस गुना जोर घटा गुना भाग, आपको ये लगेगा आश्चर्य यार पूरा मैथ सर ने पढ़ाया और कहीं भी सर ने कुछ मेरे को कोई कुछ रटवाया नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, जोर घटा गुना भाग से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पूरा ये कोर्स जो है ना पेनड्राइव में रहेगा, 64 GB का हम लोग पेनड्राइव आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, प्लस उसमें प्रैक्टिस पेपर होगा, प्रैक्टिस पेपर कितने प्रैक्टिस पेपर होंगे, तो प्रैक्टिस पेपर होंगे उसमें 32, प्लस उसमें ओल्ड प्रीवियस आए हुए जो क्वेश्चन है ओल्ड पेपर हमारे 2008 से लेकर 2021 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे विद वीडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, इसी तरह से जैसे मैंने पढ़ाया इसी तरह से, ठीक है ना। 64 GB का पेन ड्राइव है, आप इसको अपने फोन में आराम से चला सकते हो, ठीक है ना, आराम से अपने फोन में लगाओ, उसके साथ हम लोग ओटीटी प्रोवाइड करेंगे और आराम से देखो वाकई, ठीक है ना। तो इसके अलावा यदि आपके पास कंप्यूटर है ना, लैपटॉप है, तो वहां भी चला सकते हो, लेकिन मेनली हम लोग इसको फोन के लिए बनाए, और जिस एरिया में नेट नहीं रहता उसमें आपको पेन ड्राइव सबसे अच्छा है, कहीं भी आपको नेट की जरूरत ही नहीं है, अपना फोन में लगाया पेन ड्राइव आराम से देख रहे हैं, कोई नेट का खर्च नहीं, यदि आप ऐसे एरिया में जहां नेट नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम, आराम से अपना, ठीक है ना। कॉस्ट 4500 है, ठीक है ना, इतना सारा मटेरियल है आपका पूरा का पूरा कोर्स, एक एक चैप्टर जिसमें आपको पेन ड्राइव एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप अपना पेन ड्राइव लगाएंगे ना तो सीएसएफ एलडीसी ऐसा खुल गया, सीएसएफ एक्ट एंड रोल, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, जीके, लाइव अर्जुन क्लास जो हम लोगों ने करवाया था उसका पूरा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, मैथ लेक्चर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, रीजनिंग अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना सारा। जैसे आप मान लो मैथ लेक्चर इस तरह से आ जाएगा, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ हमने लिखा है उनके लिए, तो मान लो जोर घटा गुणा भाग भी नहीं आता वो भी सिखा दिया कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कहीं भी। मैथ्स क्लासेस सिलेबस जो हमारा मेन सिलेबस है वो ये है, इसमें पूरा आपका सिलेबस जो है चैप्टर वाइज देखिए क्लास वाइज दिया हुआ है, क्लास 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। इसी तरह से आप जब इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश में आपको सारा मिल जाएगा, एंटोनिम, इंग्लिश, डिक्शनरी, ग्रामर, क्वेश्चन मेकअप, ब्लैंक्स, इडियम, वन वर्ड पैसेज, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम, वोकैबुलरी। मान लो कि आप ग्रामर देखिए, ग्रामर वन में है तो देखो ऐसे आ जाएगा क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, है ना। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको ये झंझट ही नहीं रहेगा कि यार जो है नेट की प्रॉब्लम है या ऐसा है वैसा है, अपना पेन ड्राइव लगाओ, सारा आपके पास क्लास वाइज चीजें हैं, फटाफट देखना शुरू करो, 50 दिन में आप बहुत आराम से कर लोगे, प्लस सारा टेस्ट कर लो, ठीक है ना, गो थ्रू हो जाओ सबसे, गो थ्रू भी हो जाओगे सारे से ना, तो आराम से आपका जो है ना 90 में क्या कह रहा हूँ 95 से 98% क्वेश्चन ही यहीं से आएगा, ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, क्या कर लेंगे। प्लस इसके अलावा पेन ड्राइव जो है इसके अलावा क्या होगा, आपका बैच में एडमिशन हो जाएगा, जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है ना, जो न्यू बैच है उसमें ऐड हो जाएगा अपना नाम, और उस बैच में हम लोग करंट अफेयर करवाएंगे, करंट अफेयर स्टार्ट हो जाएगा अभी, और करंट अफेयर जो है क्योंकि हम लोग पेनड्राइव में नहीं दे सकते, करंट अफेयर चेंजिंग थिंग्स है, ठीक है ना, पेनड्राइव को अभी तक जितना भी सिलेबस 2021 वाला पूछा है ना अपडेटेड कोर्स पूरा रहेगा,
प्लस करंट अफेयर आपके ग्रुप में जाएगा, यहाँ बस आपको जो है ना नेट की जरूरत पड़ेगी, वो भी जब आपके पास नेट है तब डाउनलोड करते रहो, जो भी नहीं है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है तब आप जो है ना उसको देखो, ठीक है ना। और ये तो करंट अफेयर हो गया, प्लस 15 मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे प्रैक्टिस पेपर जब आपका जो है टेस्ट एग्जाम का डेटा जाएगा, तो इतना कुछ करेंगे ना 100% सिलेक्शन लेके जाएंगे हम, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने आप पेन ड्राइव के बारे में बता दिया, उसका कॉस्ट बता दिया, पेन ड्राइव ले कहां से सकते हो। द अकेडमी एडीयू महिपालपुर नियर सीएसएफ जीवीएस कैंप, आप जो सीएसएफ का जीवीएस कैंप है महिपालपुर में, वहां पे हमारा अकेडमी है, ठीक है ना। पहले तो हम लोग पूरा ऑफलाइन कोर्स वहीं पे करवाते थे, लेकिन अब वो बस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, आप आके बस पेन ड्राइव ले सकते हो, ठीक है ना। तो वहां के ले सकते हो, फालंदीपुरी में हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है छोटा सा अड्डा कॉलोनी के पास, तो वहां के आप ले सकते हो, ठीक है। यदि दिल्ली में नहीं रहते तो आप ऑनलाइन फी पे करके स्पीड पोस्ट से भी मंगवा सकते हो, कैसे, इस ये जो अकाउंट डिटेल दिया हुआ है इस पे आप फी पे कर दो, ठीक है। यदि आप फोन पे या गूगल पे यूज करते हो, फोन पे या जीपे, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, 9205330677 इस पे आप अपना फी पे कर दो। फोन पे राकेश कुमार ठाकुर आ जाएगा मेरा नाम, और गूगल पे आ जाएगा द अकेडमी एडीयू का बोर्ड बना, उसे आप पहचान, ठीक है ना। फी पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट, या आपने ऑनलाइन पे किया है तो ऑनलाइन के थ्रू, क्रेड ऐप से भी कर सकते हैं, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं तो क्रेड ऐप पे बैंकिंग डिटेल डाल के भी आप फी पे कर सकते हो, क्रेड ऐप आप गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते, ठीक है ना। तो यदि आप ऑनलाइन फी पे कर रहे हैं, चाहे फोन पे, चाहे गूगल पे, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग, जब आप फी पे कर दो तो उसका रिसिप्ट, ठीक है ना, या रिसिप्ट आप नहीं ले पा रहे तो स्क्रीनशॉट दे दो, ठीक है ना। कंप्लीट एड्रेस, अपना दो कॉन्टैक्ट नंबर, जिस फोन में चलाओगे उसका ओटीजी टाइप, एक सी टाइप होता है और एक माइक्रो यूएसबी टाइप होता है, उसमें दो पतले से ना पिन जैसा निकला होता है, कांटे जैसा निकला होता है, तो वो लिख के इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो, तो हमारे या आप गूगल इस पे जीमेल भी कर सकते हो, डिटेल ज्यादा अच्छा है कि व्हाट्सएप कर दो, यदि आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते या ऐसा कुछ है तो ऐसा कोई है नहीं कि नहीं यूज करता, लेकिन आप इस नंबर पे भी शेयर करना चाहते,